दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में जिसकी डिमांड आज तो है ही, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इसकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उस फ्रेंचाइजी को लेकर आप महीने के लाखों रुपए तो कमा ही पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन एंड क्लीन भी रख पाएंगे। सो क्या है वो फ्रेंचाइजी बिजनेस, उसे कैसे लेना है, उसका प्रोसेस क्या है, वो सारी चीजों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे इस चैनल पर हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मैं हूँ चांदनी और आप देख रहे हैं कमाओ और कमांडो YouTube चैनल, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी के बारे में। अब आपको ये फ्रेंचाइजी कैसे लेनी है, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा और आप किस तरह से प्रॉफिट कमा पाएंगे, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं। उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है नेचुरल पेट्रोलियम का लिमिटेड होना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिलहाल जो नेचुरल पेट्रोलियम है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल का दाम आप देख ही रहे हैं कि आसमान छू रहा है, जिसकी वजह से कई कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं और इंडिया में भी कई लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कई जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस दिख जाएंगे। अगर बात करें इंडिया की तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बहुत ही लिमिटेड दिखाई देंगे, लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया में भी इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से अगर आप अभी ये फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आने वाले टाइम में आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अब रही बात की टाटा की फ्रेंचाइजी ही क्यों लेनी चाहिए, तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आप खुद का कोई सा प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू करते हैं तो पहले तो उसकी मार्केटिंग में ही बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, लेकिन उसके बाद भी उतनी तेजी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन टाटा एक ऐसी कंपनी है जो रेप्यूटेड है और बहुत ही सालों से है, जिसकी वजह से आपको मार्केटिंग की भी कोई खास जरूरत नहीं होगी, साथ ही साथ आपको कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। सो अगर आप ये फ्रेंचाइजी अभी लेते हैं तो ये बेस्ट टाइम होगा आपके लिए, क्योंकि इस टाइम पर आपको कंपटीशन भी ज्यादा नहीं मिलेगा। सो चलिए सबसे पहले टाटा कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। सो दोस्तों, टाटा पावर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1919 में हुई थी, और ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साथ साथ इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली भी पहली कंपनी है। टाटा ने अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मुंबई में लगाया था, और उसके बाद से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे 40 शहरों में लगभग 600 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगा चुकी है, और आज के टाइम में कंपनी का जो एम है वो पूरे इंडिया में 1,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का है, जिसकी वजह से कंपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों, कंपनी आपको चार तरह की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। पहला है फ्लीट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप देखते होंगे जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं खुली जगह पर, उसी तरह से यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खुली जगह पर लगाना है। सो लोग आएंगे और आकर अपनी गाड़ी चार्ज करेंगे और चले जाएंगे। दूसरा है ऑफिस वर्क प्लेस। दोस्तों, मान लीजिए कि आपका कोई बहुत बड़ा ऑफिस है और आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉइज को आप व्हीकल चार्जिंग की सुविधा दें, तो आप अपने ऑफिस के नीचे भी इनकी फ्रेंचाइजी लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा है मॉल एंड होटल्स। तो अगर आप किसी मॉल से या किसी होटल से टाई अप करके उसके आसपास भी अगर चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो आप उनसे टाई अप करके टाटा की फ्रेंचाइजी उनके आसपास में भी ले सकते हैं। और चौथा है होम एंड हाउसिंग सोसाइटी। तो आप अपने सोसाइटी में भी इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी लेकर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपके सोसाइटी के लोग, जो लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं, वो लोग आपके यहाँ से चार्जिंग कराएंगे और आपको चार्जेस देंगे, जिससे आप पैसे कमा पाएंगे। सो चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि अगर आप टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि टाटा पावर हर तरह के चार्जिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है, जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरी के व्हीकल्स के लिए अलग अलग पिन वाले चार्जर चाहिए होते हैं, जो कि आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी आपको हर जगह पर
चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करती है, चाहे वो घर हो, मॉल हो, ऑफिस हो या फिर कोई खुली हुई जगह हो, तो आपको किसी स्पेसिफिक जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों टाटा पावर जो है वो लोगों को एक ऐसा एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करता है जिससे वो लोग अपने नियर बाई चार्जिंग स्टेशन ढूंढ सकते हैं। सो जो लोग भी आपके नियर बाई होंगे वो लोग आपके पास ही आकर अपनी व्हीकल्स को चार्ज करेंगे, जिससे आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। और मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो मार्केटिंग आपको ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टाटा पावर खुद में एक बहुत बड़ा नाम है। सो आपको ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं। साथ ही साथ आपको अगर किसी तरह का डाउट है कि किस तरह से चार्जिंग करनी है, कैसे मेंटेन करना है सब कुछ, तो आपको हर तरह की गाइडलाइंस कंपनी की तरफ से दी जाएगी। साथ ही साथ आपको और आप जो भी एम्प्लॉइज रखेंगे उन सभी को कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे आप अपने इस फ्रेंचाइजी बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएंगे। अब इसके लिए आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, जैसे कि आप एक इंडियन नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ आप कम से कम 10th पास होने चाहिए। सो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ये फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला है स्पेस, जो कि किसी भी चार्जिंग स्टेशन की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप किसी फ्लीट एरिया में लेना चाहते हैं तो आपको 1000 से 2000 स्क्वायर फुट स्पेस की जरूरत होगी, जिसमें 3 से 4 गाड़ियां आराम से आ और जा सके। अगर आप किसी बिल्डिंग में लेते हैं तो आपको 300 से 400 स्क्वायर फुट स्पेस की जरूरत होगी, जिससे आराम से कोई भी व्हीकल आए और चार्जिंग होकर उसे आराम से निकाला जा सके। उसी तरह से अलग अलग जगह के लिए आपको अलग अलग स्पेस की जरूरत होगी। अब अगर बात करें एम्प्लॉइज की, तो शुरुआत में आप खुद भी ये चार्जिंग स्टेशन चला सकते हैं। अगर आपने किसी बड़े एरिया में लिया हुआ है तो आपको 1 या 2 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज की जरूरत भी पड़ सकती है, यानी कि जितना स्पेस और जितने चार्जिंग स्टेशन होंगे आप उस हिसाब से अपने एम्प्लॉइज हायर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जरूरत होगी कुछ डॉक्यूमेंट्स की, जैसे प्रॉपर्टी पेपर और साथ ही साथ लोकल अथॉरिटी की तरफ से NOC और कुछ बेसिक एड्रेस प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड एटसेट्रा। तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों कंपनी को आपको शुरुआत में सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, जो कि 2.5 से 3 लाख रुपए होता है, और जब आप कंपनी छोड़ेंगे तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक फास्ट चार्जिंग पॉइंट लेते हैं और एक स्लो चार्जिंग पॉइंट लेते हैं तो आपको 7 से 7.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इसके अलावा जो आप चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे उसके सेटअप में लगभग 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आपको आने वाला है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो लगभग 10,000 के आसपास आप मानकर चलिए, यानी कि लगभग 20 लाख से 25 लाख के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट आने वाली है। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट मैंने आपको लमसम बताया है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपके प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है कि आप कितने एरिया में कितने चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं। साथ ही साथ जब आप कंपनी से बात करेंगे तो आपको एक्चुअल चार्जिंग बता दी जाएगी। सो चलिए आप बात कर लेते हैं ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में और आपके प्रॉफिट के बारे में। तो दोस्तों बता दूं आपको कि कंपनी आपको पर यूनिट 3 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन देती है। दोस्तों बता दूं आपको कि एक यूनिट में 1 किलोवाट चार्ज होता है। अगर मशीन कैपेसिटी की बात करें तो एक फास्ट चार्जिंग पॉइंट 45 किलोवाट की बैटरी को 45 मिनट में चार्ज कर देता है, जबकि एक स्लो चार्जिंग पॉइंट 6 से 7 किलोवाट की बैटरी को चार्ज करने में 45 मिनट के आसपास का समय लेता है। अब अगर बात करें गाड़ियों की, तो दोस्तों एक इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर की बैटरी कम से कम 2 से 2.5 किलोवाट की होती है और एक कार की बैटरी लगभग 30 से 40 किलोवाट की होती है। सो अगर आपने 2 या 3 चार्जिंग पॉइंट लगाकर एक दिन में 40 किलोवाट की 30 कार्स और 2.5 किलोवाट की 20 2-व्हीलर्स भी चार्ज कर दी, तो आपको पर डे का ग्रॉस प्रॉफिट 3750 रुपए आएगा और मंथली ग्रॉस प्रॉफिट होगा आपका 1,12,500 रुपए के आसपास। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो इसमें से आप मान लीजिए 20,000 रुपए आप सैलरी दे रहे हैं और 30,000 रुपए आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस में जा रहे हैं, तो भी आपको इसमें 62,500 रुपए के आसपास पर मंथ प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों ये प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको मोटा मोटा हिसाब करके बताया है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है। सो जितने ज्यादा व्हीकल आप चार्जिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। सो दोस्तों ये थी टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी से जुड़ी सारी जानकारी। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी कैसे अप्लाई करना है चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू जान लेते हैं। सो जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा टाटा पावर का। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा I am looking for EV charging solution for। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे,
जैसे फ्लीट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस एंड वर्कप्लेस, मॉल एंड होटल्स, होम एंड हाउसिंग सोसाइटीज। सो आपको जिस भी तरह की फ्रेंचाइजी लेनी है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ऑफिस एंड वर्कप्लेस पे किया, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा क्लिक हियर का। आप यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करके सबमिट कर देना है, जिसके बाद कंपनी आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपको कंपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर देगी। दोस्तों इसके अलावा आप हर एक ऑप्शन पर इसी तरह से क्लिक करके और क्लिक हियर पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप अलग अलग तरह की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना है तो यहाँ पे आपको हर एक चीज का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे एप्लीकेशन के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में, डिड यू नो, यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है उसके बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, और यहाँ पर FAQs भी दिए हुए हैं जिसमें आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से आप टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी लेकर महीने के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। अब वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात नए कमाने के तरीकों के साथ।